हमने बहुत सारे नियमों को सरल किया, बहुत सारे नियमों को सरल किया। बहुत बड़ी आवश्यकता है, आज चुनौती है हमारे सामने। हम सुरक्षित रहेगा जब उसे व्यवसाय का मौका मिले या उसके हाथों को काम मिले, और ये तभी और हम सब मिलके दिलाना चाहेंगे कि अपनी ओर से मिलकर कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे उन सारी बातों को हासिल करने के लिए जिसमें छत्तीसगढ़ के नागरिकों की भलाई है, उनकी बेहतरी है, उनकी तरक्की है। इस अवसर पर साथ हम लोग हैं, उसकी बहुत बहुत खुशी, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय अतिथिगण और आदरणीय सम्मानी जन, कल 18 दिसंबर है। पूरे भारत के और पूरे विश्व के युग प्रवर्तक बाबा घासीदास जी की जयंती भी हम लोग कल मनाएंगे और पूरे 31 दिसंबर तक जयंती मनाएंगे। मुझे याद है कि 19 दिसंबर 2013 को माननीय भूपेश बघेल जी की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई। बाबा जी की जयंती एक दिन मनाया हुआ था और बाबा जी का आशीर्वाद दूसरे दिन माननीय बघेल चाहते हैं। वो लोग तो राजनीति सोच और राजनीति विचार नहीं हो सकता, इसको नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए, पंचायतों तक कैसे पहुंचाया जाए। जो 15 साल 20 साल पहले जनता की आशाएं थी, आशंकाएं थी, आज समय बदल गया। क्या हम बदले? आज जनता की क्या आशा है, क्या अपेक्षा है, इसकी पहचान में क्या हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य प्रणाली में क्या परिवर्तन हुआ है? ये आज बहुत बड़ी चुनौती है। केवल एक सरकार की नहीं, एक मंत्री की नहीं, केवल हमारे जनप्रतिनिधि के लिए, पर इस पर विचार करना सबका दायित्व बनता है। हमने तैयार किया आज जो विजन डॉक्यूमेंट, ये विजन डॉक्यूमेंट एक खोखला डॉक्यूमेंट नहीं, बड़े सोच के कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। और एक तथा हमारा वचन पत्र, जिसको हम एक हाथ में लेते थे, और दूसरा होगा हमारा विशेष डॉक्यूमेंट जो हम अपने दूसरे हाथ में लेंगे। ये हमारा लक्ष्य। मैं दोहराना नहीं चाहता कि विजन डॉक्यूमेंट में क्या है, क्योंकि आपने देख लिया, पर मुझे एक उम्मीद है, मुझे विश्वास है, मेरा निवेदन है कि अगर हम मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं, ये इतिहास तभी बन सकता है जब सब इसमें सम्मिलित हो, सब इसमें सम्मिलित हो, तभी ये बन सकता है। और धीरे धीरे अगले एक साल की भी हमने योजना बनाई है। मैं जानना नहीं चाहता, मैं ये आलोचना नहीं करना चाहता, हमारी मेट्रो की बात हो, हम अपने मध्य प्रदेश को एक लॉजिस्टिक हब कैसे बनाएं। पहले लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश कहां है, हमारी तुलना दूसरे छोटे प्रदेशों से करी जाती थी। आज धीरे धीरे हमारे मध्य प्रदेश की और हमारे इंदौर की और हमारे भोपाल की एक नई पहचान बन रही है, और यह वातावरण तभी बनेगा, ये वातावरण तभी बनेगा जब हमारी सोच में, हमारे कार्यशैली में, हमारे कार्य प्रणाली में ये परिवर्तन हुए। हमने शुरू किया शुद्ध का युद्ध, जितने दूध का उत्पादन में उससे ज्यादा उसकी शेयर, उससे ज्यादा उसकी बिक्री, हर चीज में मिलावट, शुद्ध का युद्ध। कौन अपने प्रदेश आएगा अगर ये हालात में, कौन अपने प्रदेश में आएगा जब माफिया हावी है, एक माफिया
मुक्त प्रदेश हमें बनाना है, यह हमें विश्वास तभी बनेगा, तभी हम मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जो केवल मेरा सपना ही नहीं है पर मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति का सपना है, नई पीढ़ी का सपना है, हमारे बहनों हमारे माताओं का सपना है। और मेरा निवेदन है और विश्वास है कि इस आगे आने वाले समय में मुझे सबका योगदान इसमें मिलता है। As the government completes 1 year in office today, it is pertinent to felicitate and honor extraordinary citizens who, by way of their relentless service to humanity and humanitarian causes, have made lasting contributions to the realm of social justice. The Indira Gandhi Samaj Seva Puraskar for the year 2019-20 is being conferred today on late Sri Abdul Jabbar, convener of the Bhopal Gas Pirit Mahila Udyog Sangathan, for his untiring struggles for the rights and entitlements of the families affected by the Bhopal gas tragedy. Receiving the Indira Gandhi Samaj Seva Puraskar on behalf of is his wife, Srimati Saira Banu. I request Saira Banerjee to please come on the stage to receive the award along with a check of rupees 10 lakhs from the government of Madhya Pradesh. अकबर भाई चौबे जी, हमार पहुना के रूप में टिकट वितरण में जेकर भूमिका रही से आदरणीय कोतवाल साहब, आदरणीय छाया वर्मा जी, आदरणीय प्रतिमा चंद्राकर जी, गंगा पोटे जी, फूलोदेव नेताम जी, अनीता शर्मा जी, किरणमय नायक जी, आदरणीय भाई शरे नितिन त्रिवेदी जी, रमेश भैया, भाई राम गोपाल जी, भाई गिरीश जी, आदरणीय धनेश पटला जी, हमारे बहुत जन सब साथी मन दिखाते संगठन के सबोजन सादर अभिवादन करते हुए, आदरणीय बद्रुद्दीन कुरैशी जी, प्रदीप चौबे जी, धाड़ीवाल जी, सब साथी मन बैठे सबोजन अभिवादन करते हुए, सबो हमारे संगठन के सब साथी मन। वैसे आज के कार्यक्रम में चुनाव के प्रभाव दिखा थे नगरी निकाय चुनाव के, सब साथी मन चुनाव में लगे हुए भी है और सत्तू भैया के भाषण में तो वोट तक मांग दी सो चुनाव के प्रभाव नगरी निकाय चुनाव पूरा समाप्त है। आज ये बात के प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ के जिन एक साल की उपलब्धि है तेकर चर्चा पूरा देश में होते, छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में होते। और सबसे ज्यादा खुशी ये बात कहे कि राहुल जी जहां भी जाते छत्तीसगढ़ के सरकार की उपलब्धि के बारे में चर्चा होते, अभी झारखंड में जबका भाषण दे है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर दे है। और तो जब 14 दिसंबर के रामलीला ऐतिहासिक मैदान में भी जब राहुल जी भाषण दी तब वो छत्तीसगढ़ के उपलब्धि के बारे में दी से एकर से ज्यादा प्रसन्नता हमारे और कुछ नहीं हो सके। काबर के राहुल जी एक बात हमने अक्सर कहा है, आदरणीय टी एस सिंहदेव जी उपस्थित थे, हमन गाड़ी में बैठे रहन, वो बात लगा है कि हर वर्ग लगना चाहिए सरकार मोर सरकार है, किसान लगना चाहिए, आदिवासी लगना चाहिए, अनुसूचित जाति के मन लगना चाहिए, नौजवान लगना चाहिए, महिला मन लगना चाहिए, व्यापारी मन लगना चाहिए। और आज ये बात के मुझे खुशी है कि हर वर्ग ये महसूस करते कि सरकार मोर सरकार है, हमार सरकार है।
और ये जन कार्यक्रम बनी साल भर में एक पूरा कोनो श्रेय जाते हमार कार्यकर्ता साथी मल जाते कार्य पांच साल जिन संघर्ष करें कभू किसान आंदोलन करें तो कभू नौजवान मन पर आंदोलन करें कभू महिला मन पर आंदोलन करें मतारी न्याय यात्रा निकालें तो ये जिन सब कार्यक्रम करें तेकर से विभिन्न वर्ग के लोगन मन की जुड़ाव हुई ओकरे हिसाब से हमार मन के घोषणा पत्र बने ओकरे हिसाब से हमार मन के बजट में वो सब चीज मन के स्थान मिले तो ये जिन बजट है ये जिन कार्यक्रम है सरकार के कार्यक्रम है ते आम जनता के छत्तीसगढ़ के विभिन्न वर्ग के लोगन मन के कार्यक्रम है जे संचालित हो थे जमीन वापसी 2013 कानून बने लेकिन वापसी करे काम कोनो सरकार करे तो छत्तीसगढ़ के सरकार करे 10 गांव के 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन वापस होना ये इतिहास हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना मैं समझता हूँ दुनिया में आदिवासी मन से जमीन छीने काम तो होते लेकिन जमीन वापस करे कोई घटना हो है तो पहली घटना तो आम जनता के विश्वास इस सरकार ऊपर और विश्वास के साथ साथ उम्मीद भी बहुत है और जब उम्मीद है और जिन तेजी से हम सब काम कर रहे थे ना आप सब के आशीर्वाद से तो अरंगा भी बहुत है अड़चन भी बहुत है अभी अकबर भाई अपन भाषण में जिन बात लकेस के कैसे भारत सरकार अरंगा डाला थे हमारी जिन योजना है तिन आम जनता के भावना के अनुरूप योजना बने है तेकर कारण से सब कार्यक्रम सफल हो Vision to Delivery Roadmap 2020 to 2025 is now for public analysis and use. ध्रुव में रहें परसों रायपुर में रहें सब जल्ला पूछ रहे सार्वजनिक से पूछा तो तुम्हारा राशन कार्ड मिले कि नहीं मिले सब जन कहा थे हाँ मतलब राशन कार्ड मिल गए हमारे जन कार्यक्रम में हम कहें 400 यूनिट का बिजली बिल आधा मिला थे कि नहीं मिला थे सार्वजनिक रूप से पूछा था सब जन कहा था हाथ उठा कहा था हाँ मतलब कर लाभ मिला थे अभी जैसे शहरी क्षेत्र में हम सर्वे करा था इंदिरा जी के जयंती के अवसर पे उगर वो दिन से जिन कब्जा है वो मतलब सब पट्टा मिलना है सर्वे काम चला थे सब जन उम्मीद है विश्वास है कि हाँ कांग्रेस की सरकार ये बात लग के और पूरा करी तो ये विश्वास सबसे बड़े पूंजी हमारे कांग्रेस की सरकार के और इनमें सब साथी मिल से यही आग्रह है कि आज जैसे अब धान खरीदी शुरू हुई तो कांग्रेस के साथी मन पूरा किसान मन के साथ खड़ा हो गए इसके नए ये में थोड़ा थोड़ा त्रुटि है सुधार करे लगे और सुधार भी करें लेकिन मैं आप मन से निवेदन करना चाहता हूं ये जिन छत्तीसगढ़ के संपदा है आपके संपदा है ये खजाना के पैसा है तेन पूरा प्रदेश के जनता के पैसा है और ओला हमले एक एक पाई का सदुपयोग करना है नहीं पूछते तोड़कर ऋण माफी पर पैसा कहां लागे फिर पूछते 2500 रुपए देवर कहां से पैसा आगे फिर पूछते नरवा गरवा योजना बजट में कते करे भाजपा वाले खोजते बजट के कापी कते करे नरवा बर कते करे घुरवा बर कते कर गरवा बर गौठान बनाया बर 1500 गौठान बन गए अब भाजपा वाले खोजा थे कर पैसा कहां लई विधानसभा में पूछे बजट में पैसा कहां लई हम कहा केवल 1500 नहीं ये साल 3000 अमन बनाबो सब विभाग के जिन योजना है तेकर लाभ लेते हुए सब कार्यक्रम बना थे तो एक एक पैसा कैसे सदुपयोग करना है वो हमारे सरकार कर रहे थे निर्दयता के साथ विकास के काम हमन कर रहा था अवगर गाना से सब सफल हो जाते गौठान योजना केवल शासकीय योजना नो है पहले सोचा था सरकार की योजना है सरकार बना थे सरकार चलाई जैसे स्कूल बनाए थे स्कूल सरकार चलाते हॉस्पिटल बनाए थे हॉस्पिटल सरकार चलाते लेकिन ये शासकीय
योजना में गौ माता के सेवा के परंपरा हमार हजारों साल से आदिकाल से चले आए और बोला हम केवल एक स्वरूप दे के काम गौठान बनाए काम हमन करत हन संचालन करे काम लग गांव वाला मतलब करना है और ये बात में महसूस कर रहे थे लोगों में यार चलाना था भी मल रहा है सरकार नहीं चलाए ये है तो घेरा करके दे दे पानी की व्यवस्था करके दे दे छैया करके दे दे कोटना बना दे वर्मी खाद बर भर गड्ढा बना दे लेकिन संचालित हमल करना ये गांव वाला मतलब महसूस हो गया। तो आज गांधी जी के जिन ग्राम स्वराज जन योजना है ओला हमन लागू करा था सुराजी गांव के नाम से हमन शुरू करा था और ये में प्रत्येक कांग्रेस जन के भागीदारी होना बहुत जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी की जिन केंद्र सरकार है हमारे सामने बड़ी चुनौती है काबर के एकर मन के योजना केवल आज तक के देश में मन है बरगलाए काम ले लोगन ले बरगलाए काम भड़काए के काम आगे लगाए काम कांटे काम बांटे काम यही करते हमारे तरफ बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने चुनौती है। आज देश जलत है विभिन्न प्रदेश में आग लगे हुए है हिंसा होते छात्र मन के साथ दुर्व्यवहार होते मन के साथ मारपीट होते हत्या होते आगजनी होते देश में भय का वातावरण बनाए जाते एकर मन के केवल उद्देश्य कि सत्ता में बने रहा सत्ता समाज के ध्रुवीकरण करा सत्ता में बने रहा अवकाश यदि जतका भी योजना है तेन एकर मन के काटे की योजना है बांटे की योजना पहली तुम्हार जेब काटीस नोटबंदी करीस और जेब काटीस तुम्हार पैसा सब बैंक में जमा करा दीस और विजय माल्या और कौन कौन है तेन सब लेके भाग के काटे काम जेब काटे काम ओकर बाद जीएसटी लागू करीस वन नेशन वन टैक्स 5% स्लेब है कहां वन नेशन वन टैक्स लेकिन टैक्स लगाए से क्या हुई नोटबंदी में लोगन मन के जेब करके आदमी मन के मौत हो गए जीएसटी लागू करीस व्यापार चौपट देश के उद्योग के पहिया थम गए अब तो स्थिति ये आ गए जीएसटी और नोटबंदी के प्रभाव अतेक हो गए कि लोगन अपन खुराक में भी कटौती करे भोजन में भी कटौती करे लल्ले जे सर्वे आए तेम आदमी जे रोज खर्चा करत रही अपन भोजन में तेनम कटौती हो लल्ले जीडीपी कतेक नीचे आ गए एक बारे में चर्चा करे का आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा योजना वो स्थल नोट कतका जमा हुए तेम गिनती करके नहीं बताए कालाधन कतका ही तेले बताए एक बार छोड़ दे फिर तीसरा किस्म सर्जिकल स्ट्राइक करें हम बदला ले हैं लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि पुलवामा में 44 जवान हमार शहीद हुए तिन कैसे वो हत्या हुई वो आरडीए लेके पहुंचे कैसे तिन देश ला आज तक नहीं बताया उनका भरोसे वो बेहतर नहीं पार हो गए सरकार में बन गए अब लाइस का सीएबी कैब नागरिक संशोधन बिल पूरा आसाम जलेल धल्लेस ओकर प्रभाव पश्चिम बंगाल में ओकर प्रभाव दिल्ली में ओकर प्रभाव उत्तर प्रदेश में सब जगह आग की तरह फैला थे और अमित शाह जी कहा थे कि ये है तो शुरुआत है एनआरसी लागू तक कर वो अब एनआरसी लागू करी तो कहा होना है वो जो रजिस्टर है तेन दस्तखत करे के बाद वो तो प्रमाणित करे लगी थे हिंदुस्तानी भारतीय अब कोनो आदमी के जमीन जायदाद नहीं है काकरो सियान मन है ओकर पुरखा मन पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे प्रमाणित करी भारतीय हर एक नो है और नहीं कर सकबे तो फिर वो कहां भेजी ये बहुत जन आदमी बैठे हो जे मन है अपन गांव छोड़ के दूसर गांव रहा थे कोनो बस्तर करी या सरगुजा चल दिस सरगुजा का आदमी रायपुर आ गए रायपुर के आदमी कोरबा चल दिस वो प्रमाणित कैसे करे कि 100 साल से ही रहा थे उकर कर जमीन भी नहीं है उकर दाई दादा पढ़े लिखे भी नहीं है यहां का आदमी आसाम गए यहां का आदमी नागपुर में यहां का आदमी दिल्ली में भी वो कैसे प्रमाणित करे कि यहां रहा थी से यहां का आदमी झारखंड में गुजरात ले यहां आदमी आए थे कैसे प्रमाणित करे कि ये 100 साल हो
जेकर वहां जमीन जायदाद नहीं है, घर बार नहीं है। रघुवर दास यहां ले झारखंड गए, वो कैसे प्रमाणित करी कि तो गांव घर नहीं है, खार में खेत नहीं है, वो कैसे प्रमाणित करी? वो 100 साल से यह रहा थे, और नहीं प्रमाणित करी तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहां भेजे थे रमल? आज ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, गांधी जी के 85 वर्ष गांठे, और जब अफ्रीका में गीस तो अंग्रेज मन जो रजिस्टर में दस्तखत करना रही, गांधी जी उन्हें ओकर विरोध करी से रजिस्टर में दस्तखत नहीं कराओ। और आज ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, एनआरसी लागू करी तो मैं पहला आदमी हूं जो रजिस्टर में दस्तखत नहीं कराओ। हम भारतीय प्रमाणित करें जरूरत है, पूरा देश में सौज्ञा आंदोलन चली, ये एनआरसी लागू करी हम कोई दस्तखत नहीं करें। गांधी जी का रास्ता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिन अफ्रीका में चालू कर रही थे वो आज वो समय अंग्रेज में शुरू कर रही थे, अब ये काला अंग्रेज मन शुरुआत कर, उगर विरोध हम सब मिलकर करना है। देश के मूल जिन समस्या है तेकर से ध्यान में हटाया भर ये मन सब सीएबी ला थे, नोटबंदी ला थे, जीएसटी ला थे, जीएसटी पैसा दे नहीं सका थे, अभी महाराज काली बैठक में जाई 900 करोड़ रुपया अभी देना लेना है, मतलब दे नहीं सका था। तो तुर योजना सब फेल है, केवल बांटे काम कर रहे थे। मैं तो ये कहना चाहता हूं तुम बड़ा ध्रुवीकरण कर रहे थे, सामाजिक ध्रुवीकरण कर रहे थे, अल्पसंख्यक मल्ला अनुसूचित जाति मल्ला सब आदिवासी मल्ला अलग करना चाहता, हिंदू बहुत बड़े नेता थे, 6 साल होते तो सरकार में एकाठक हिंदू समाज पर कोई काम करे हुई ये नरेंद्र मोदी की सरकार है तो बताए हिंदू समाज पर कोई कार्यक्रम लाए तो केवल ते डरवा डरवा के वोट भर ले रहा हिंदू के नाम से केवल कुर्सी भर पात्रा ये नहीं चला। बड़े वर्ग है हिंदू समाज, उकर भर एकाठ कार्यक्रम करे हुई भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी सरकार तेल बताए। सवाल तो कर मुझे मतलब पूछना, हमारा जवाब वाब नहीं देना है, ये पत्रकार मन हमारा सवाल पूछते कि भाजपा सरकार इसे करी तो तुम्हें क्या करना है, और सवाल निर्णय वो मल्ले सवाल वो मल्ले पूछना है, कहा कि जिन जिम्मेदार है छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार हमसे सवाल पूछे हम देबो जवाब। लेकिन अब सवाल ये है एनआरसी में जिन आदमी सिद्ध नहीं हुई कि भारत के नागरिक है तो वो कहां भेजिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, तब के भले सवाल पहली सवाल। आज आसाम में 19 लाख आदमी अपन आप प्रमाणित नहीं कर पाई इसके वो हिंदुस्तानी है, जब 15 लाख हिंदू और 4 लाख मुसलमान है या बौद्ध या ईसाई। अब बांग्लादेश कहते हैं कि भाई ठीक सूची दे दे हमारे देश के नागरिक हम ले ले वो, ये सूची कांवर नहीं देवत है। यदि हिंदुस्तान के कोनो आदमी गल्फ कंट्री में जाते यदि कोई घटना होते तो भारत सरकार कहते कि हम उकर सुरक्षा प्रदान करबो और हमारे नागरिक हम लाबो। बांग्लादेश भी कहा थे कि हमारे नागरिक के बता दे भाई हमारे नागरिक है तो सूची कावर नहीं सौंपा थे, दंगज कावर कर रहा था। तो आज अच्छा एक चीज और बता, यहाँ के नागरिक मन फिजी गए, यहाँ मन मॉरिशस गए, यहाँ मन कनाडा गए, यहाँ मन अमेरिका गए, यहाँ मन इंग्लैंड गए, वो मन इसने करी तब कैसे कर बे? तब दुनिया देशे में आग नहीं लगा सकते, दुनिया में आग नहीं लगा काम करा सकते। तो ये मन भाई जेन मोल एक जन पत्रकार पूछी जे मन ऐसा का बर कर रहे मैं जेन ले जेन आई तेनित करी, ये मन आगे लगाए काम काटे काम बांटे काम लड़ाए काम झगड़ा कराए काम दंगा कराए काम हिच काम आते तो वही काम लग करा थे तो बंदर के हाथ में उस तरह जिसे हो जाते ना। एकर से हम अल्लाह लड़ना है, एकर भर हम अल्लाह वैचारिक रूप से हम अल्लाह बहुत सचेत रहे का उसका है। जैसे हम चुनाव लड़े पहले हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं, वही प्रकार के प्रशिक्षण के आवश्यकता है कि कर्मन के जवाब का कर्मन के मुकाबला कौन प्रकार से करना है, एक रूबर हम अल्लाह तैयारी करे लगी। तो चूंकि बहुत समय हो चुके हैं सबो हमारे सब साथी मल्ला सियान मल्ला मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जे कर्मन के आशीर्वाद से 15 साल के बाद मास के बाद सत्ता में आए। हमारे नौजवान साथी मल्ला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्हें ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में लाठी खाई से जेल की से
वो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बहने में कोई कम नहीं रही, विधानसभा में जाके झंडा फहरा है कांग्रेस के, वो घुसगिरी से वो पुलिस मतलब चकमा देते, सब मतलब बहने मतलब खूब बधाई शुभकामना। और यही प्रकार से हम सब जल मिलजुल के छत्तीसगढ़ में ल अग्रणी राज्य बनाए बर हमें आगे बढ़ना है। आपके बात कहते हुए आप सब ल बधाई शुभकामना देते, विधायक साथी मल्ल भी, मंत्रिमंडल के सब साथी मल्ल जिन दिन रात मेहनत करे, सब जन ल पत्रकार साथी मल्ल भी धन्यवाद देते हैं कि बहुत दबाव बावजूद भी हम टेलीविजन में दिखाते रहे, पेपर में हमारे खबर ल छापत रहे, तो पत्रकार साथी मल्ल बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लिख कर विराम देता हूँ। युवा कांग्रेस एनएसयूआई सब साथी मतलब बधाई देते हुए अपन बात का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक घोषणा हो, 25 तारीख के हमारे मंत्री आज तो हम तीन जन शपथ ले रहे हैं, मैं महाराज साहब और ताम्रध्वज भैया, लेकिन मंत्रिमंडल के सब साथी मैंने 25 तारीख के शपथ ले रही, सब आचार संहिता वो दिन तक के समाप्त हो जा रही नगरी निकाय के, तो बढ़िया इंडोर स्टेडियम में बड़े कार्यक्रम करबो, हमारे साथी मन मंत्री बने रही थे वो कार्यक्रम करबो, आगे की रूपरेखा कैसे हुई तेकरो बारे में हमन चर्चा करबो, तो आने वाला जो साल है तो हमन कौन कौन दिशा में हमन काम करबो तेकरो बारे में वो दिन चर्चा करबो। तो 25 तारीख के तब तक के नगरी निकाय चुनाव के रिजल्ट भी आ जा रही और ओकरो जश्न मनाबो, और हमारे नवा साथी मन जो शपथ ले रही है 25 तारीख के ओकरो कार्यक्रम करबो, तो आप सब 25 तारीख की तैयारी पर भी आह्वान करते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और धन्यवाद सभी हमारे आमंत्रितगण, धन्यवाद सभी हमारे कांग्रेस के साथीगण। तो सीधा आप तस्वीरें देख रहे थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस सरकार का एक साल पूरे होने पर राजीव भवन में आज सीएम ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 दिसंबर को भी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का रिपोर्ट कार्ड और ऐलान की बात, शपथ ग्रहण के ऐलान की बात कही है। राजीव भवन से तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने संबोधन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैब का भी विरोध किया, उन्होंने एनआरसी पर कहा कि जो लोग भारत की नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे उन्हें अमित शाह और प्रधानमंत्री कहां भेजेंगे। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तस्वीरें, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार के जनहितैषी योजनाएं लोगों को गिनाई। भूपेश सरकार ने अपना एक साल का आज रिपोर्ट कार्ड रायपुर के राजीव भवन से पेश किया है।